हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब और फिर ऑस्ट्रेलिया का टोटल खर्चा कितना आता है, यानी कॉस्ट क्या आता है इंडिया से लेके, या फिर कहीं पाकिस्तान या बांग्लादेश जहाँ पे हो वहाँ से लेके आप ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट वीजा लेके जाते हो तो उसका कॉस्ट क्या आता है, यानी ऑस्ट्रेलिया में जॉब और उसका खर्चा कितना आता है, वो सब आप लोग को जानना है। तो आज उसी बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको आगे चल के। पर उससे पहले मैं आप लोग से जो बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर से करना। तो चलिए, मैं आप लोग का टाइम ना वेस्ट करते हुए चलता हूँ सीधे अपने लैपी पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज हुआ अपने लैपी के ऊपर और अब मैं आपको बताता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर आके। तो दोस्तों, अगर सोच आप मानिए कि अगर कोई ये ऑस्ट्रेलिया से कोई भी कंपनी का आपके पास जॉब का ऑफर लेकर आता है तो कौन नहीं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है? सब लोग ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जॉब आपको 3-4 लाख रुपया से ऊपर का सैलरी होता है और सब लोग ऑस्ट्रेलिया जाके अपना लाइफ अपनी करियर बनाना चाहता हो। पर उसमें आप लोग में से कई लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि आपको ऑस्ट्रेलिया का खर्चा ज़्यादा समझ के आप लोग नहीं जा पाते हैं, या फिर कई लोग एजेंट के थ्रू जाते हैं तो वो ठगी का शिकार हो जाता है और वो जा नहीं पाते हैं, और कई लोग यही सोच के यहीं पे रह जाते हैं, वो नहीं जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। इसलिए वहाँ का जो भी जॉब का ऑफर लेटर आ जाता है उसको ठुकरा देते हैं। बट दोस्तों, आप लोग ऐसा मत कीजिए, मैं आपको बताऊँगा सही तरीका क्या है और खर्चा कितना आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जॉब आपको अप्लाई करने के लिए 4 वेबसाइट बताऊंगा जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन चाहें आप इंडिया में हो या फिर बांग्लादेश में हो, जहाँ पर भी हो वहाँ से आप अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे कोई भी ब्राउजर में आप गूगल ओपन कर लीजिए, जिससे मैं मौजूदा फॉक्स में गूगल ओपन किया हूँ, यहाँ पे गूगल आ चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया के वो वेबसाइट सर्च करके बताऊंगा जिससे आप वहाँ पे जॉब आप ढूंढ सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट टोटल 4 होते हैं, बट मैं उसमें से एक लास्ट वाला सिलेक्ट किया हूँ, AUJORA.com। इस पर मैं सर्च करके बताऊंगा और लास्ट में मैं 4 वेबसाइट का नाम दे दूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं AUJORA.com डालूंगा। तो AU का मतलब ऑस्ट्रेलिया होता है। ये देखिए, ये सारा वेबसाइट आ चुका है, पर यहाँ पे आपको कहीं नहीं जाना है। आप सबसे ऊपर आप यहाँ पे आएंगे, जो आपको लिखा है जोरा जॉब सर्च ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ नीचे लिखा ऑस्ट्रेलिया जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, तो आप दोनों सर्च कर सकते हैं। तो मैं ऊपर वाले जोरा वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ क्लिक करते ही मेरा नया वेबसाइट खुल रहा है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, हम देख सकते हैं थोड़ा मेरा खुला ओपन हो रहा है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। तो दोस्तों, यहाँ पे खुल चुका है, देख सकते हैं आप टोटल कितना हमारा जॉब हमारे पास है। तो यहाँ पे आप बट कोई भी आपको जॉब आपको सर्च करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना वो जो भी जॉब चाहिए उसका नाम आप सर्च कीजिए, और वहाँ पे फिर ऑस्ट्रेलिया में कौन से शहर में चाहिए उसका लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो मैं ये लोकेशन यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे हम उसको मान लीजिए कोई भी जॉब, जैसे वेटर का जॉब चाहिए तो मैं वेटर यहाँ पे लिख के सर्च करना हूँ। तो आपको जो भी जॉब आपको चाहिए आप सर्च करके आप देख सकते हैं, कोई भी जॉब आपका छोटा बड़ा नहीं होता उसमें, और ऑस्ट्रेलिया में सारा जॉब जो भी होता है सब 3-4 लाख से ऊपर का सैलरी स्टार्ट होता है। तो मैं वेटर का जॉब सर्च कर लिया, ये आप देख सकते हैं मेरा वेटर का जॉब कितने जाता है, यहाँ पे आप देख सकिए 3078 है हमारे पास जॉब। आप इसमें आप देख सकते हैं, आप पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे सब नीचे दिया हुआ है, आप पढ़ के देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं फुल टाइम वाला मैं देख रहा हूँ, ये सब देख रहा हूँ। आपको इसमें जो भी क्लिक करना है तो वहाँ पे आप नीचे स्कैनर दिया उसके नीचे आप क्लिक करके उस पर जो भी कंपनी का नाम हम दिया उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल खुल चुकेगा। जैसे मैं देखिए इसमें यहाँ पे सैलरी भी बता रहा है, तो मैं किसी पे क्लिक करके किसी एक पे मैं क्लिक करके आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे जो सैलरी बता रहा है ये पर घंटे का भी बता रहा है और पर मंथ का भी बताएगा आपको सैलरी, आप जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे। तो मैं आपको देख लेता हूँ, इस पर कोई भी एक पे हम क्लिक करके आपको बता देते हैं। तो मैं यहाँ सबसे ऊपर आ जाता हूँ, ऊपर आ गए, यहाँ ऊपर वाले पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा सारा डिटेल खुल जाएगा। यहाँ पे जैसे ये दोस्तों मेरा डिटेल खुल चुका है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या क्या करना होगा आपको। लेकिन एक बात है, आपको जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आपको अराउंडर बनना पड़ेगा, यानी सारा काम खुद करना पड़ेगा, कहीं आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये काम मेरा नहीं है, दिस इज माई नॉट जॉब, मैंने ये नहीं कर सकता, मैं जो करने आया हूँ मैं वही करूँगा। आपको अराउंडर बनना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। और भी जानकारी चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, क्विक एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो आप नया आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए
अपना आईडी बनाना पड़ेगा। तो आईडी कैसे बनता है इसके बारे में मैं नया वीडियो बनाया हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप चेक सकते हैं। तो देखिए मैं गूगल से अपना चला जा रहा हूँ, आप जिससे बनाया हूँ उससे चले जाइएगा। मैं यहाँ से गूगल से भी जा रहा हूँ, देखिए अपना आईडी भी ऐड कर ले रहा हूँ, आईडी कोई भी मैं ऐड कर लूँगा। आईडी जो भी आप बनाए होंगे, आईडी ऐड करने के बाद आपका कुछ इस तरह ऑप्शन आएगा कि क्रिएटेड उसमें प्रोफाइल करने के लिए, तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे और लास्ट नेम। तो मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ कुछ भी आपको बताने के लिए सिंपल तौर पे, मैं पहले से बना चुका हूँ। और फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर मांगेगा, तो आप ऑस्ट्रेलिया का अगर होटल बुकिंग किए होंगे तो उसका नंबर मांगेगा तो आप दे सकते हैं, नहीं तो उसके आप छोड़ दीजिए। तो मैं उसको छोड़ दिया हूँ ऑस्ट्रेलिया में। फिर मैं यहाँ पे आप कंट्री डाल लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे, या फिर अपना इंडिया का डाल लीजिएगा, आप जो भी हो अपना डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे निशान लगा के से फिर ये जैसे मैच कर रहा हूँ, यहाँ पे फुल टाइम चाहिए कि हाफ टाइम चाहिए कि आफ्टरनून चाहिए कि मॉर्निंग में चाहिए कि नाइट में चाहिए, वो आप टिक लगा के अपना कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे अपलोड प्रोफाइल कर लीजिएगा, फिर क्रेडिट प्रोफाइल कर लीजिएगा। तो क्रेडिट पे जैसे आप करेंगे वैसे बन जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पे देखिए अपलोड नहीं किया तो मेरा नहीं बनना, आप जैसे अपलोड करेंगे तो अपना। तो दोस्तों इस तरह आप जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे, जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा वर्क परमिट का ऑफर लेटर आ जाएगा, तो आप उसको वर्क परमिट ऑफर लेटर लेके आप जब ये दिल्ली, अगर आप इंडिया में हो तो दिल्ली एमएससी ऑफिस में आप जाएंगे तो वहाँ पे वीजा वो देगा, और वीजा स्टम्पिंग का आपका 20 से 25 हज़ार रुपये आता है वीजा स्टम्पिंग का, तो वो आप वहाँ पे देंगे। उसके बाद आप जब वीजा स्टम्पिंग हो जाएगा तो आप फ्लाइट का टिकट का लेंगे और फिर यहाँ इंश्योरेंस का लेंगे और आपका वगैरह जो भी छोटा मोटा खर्चा लगे वो सब देंगे। तो सब टोटल कॉस्ट मिला के आपका 1.5 से 2 लाख होता है, आप उसको जमा करके आप वहाँ से जा सकते हैं। बट दोस्तों अगर आप एजेंट के चक्कर में फंसे तो आपका 5 से 10 लाख के बीच तो जाना ही जाना है। इसलिए दोस्तों जो भी था मैं आपको बता दिया कि आपके पास 1.5 से 2 लाख होगा तो भी आप ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से जा सकते हैं। तो दोस्तों और भी आगे कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में या ऑस्ट्रेलिया के जॉब के बारे में, जो भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है वहां से उठा के मुझको कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और इसी प्रकार का और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल का जो बेल आइकन का ऑप्शन है उसको भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे और भी इसी प्रकार जो भी मैं जानकारी का वीडियो बना के शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों अब मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय।